तो मैं भी जानती हूँ। मानी का इतना अच्छा बनने के पीछे उसका कोई गलत इरादा ही है। अगर वो इस समय तुम्हारा भला चाहे तो मैं मान नहीं सकता। हम भी मान नहीं पा रहे। मेरी बातों का असर भले राघव पर ना हो, पर एक बार मिश्री मेरी मुट्ठी में आ जाए तो राघव कितने दिन दूर रह पाएगा मुझसे, देख लीजिएगा मम्मी कैसे खुद मिश्री राघव को मेरे पास लेकर आती है। मिश्री सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अब तक हमने देखा कि इस तरीके से मिश्री जो है वो राघव के घर पर पहुंच जाती है ये खबर लेकर कि राघव मिल नहीं रहा और वो गुमशुदा हो चुका है। और ये सुनकर तो भाई सभी घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सब लोग बेहद डर जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ भाई वाणी का बिल्कुल साइको रूप नजर आ रहा है। उसका प्यार राघव को लेकर बढ़ता ही जा रहा है, वो बिल्कुल साइको जैसा बिहेव कर रही है। इवन वो तो चित्रा बुआ को मारने की भी कोशिश करती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि राघव के इस किडनैपिंग के पीछे चित्रा बुआ का हाथ है। और इसी के साथ वाणी ने ठान लिया है कि अब वो राघव को ढूंढ कर रहेगी, उसे बचा कर रहेगी और सबकी नजरों में अच्छी बनकर रहेगी। इसी बीच दूसरी तरफ कहानी में हमें देखने को मिलता है कि भाई हमारी मिश्री पुलिस स्टेशन पहुंचती है लेकिन उसे कोई भी मदद नहीं मिलती और मजबूर होकर इस बार हमारी मिश्री खुद ही राघव को ढूंढने निकल पड़ती है। और आपको बता दूं कि इस बार हमें काफी अच्छा ट्रैक देखने को मिलेगा जहां पर फाइनली इस बार हमारी मिश्री ने राघव की जान को बचा ली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, मिश्री एक ऐसे खंडर में पहुंचती है और जहां पर राघव को किडनैप करके रखा गया। यहां पर मिश्री चारों तरफ राघव को ढूंढने लगती है क्योंकि उसे इंस्टिंक्ट्स आ रहे हैं कि राघव यहीं पर है और वो चारों तरफ राघव को ढूंढते हुए नजर आती है। और इसी बीच आपको बता दूं कि यहां पर एक बेहद बड़ी बात का खुलासा हुआ है कि राघव के किडनैपिंग के पीछे किसी और का नहीं बल्कि रंजीत का हाथ है और रंजीत के साथ मिली हुई है चित्रा बुआ। जी हां, आपको बता दूं कि यहां पर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है राघव को मारने के पीछे। और इसी बीच यहां पर मिश्री एंड मोमेंट पर आकर अपने राघव की जान को बचा लेती है। जी हाँ, इसी खंडर पर राघव मिल जाता है मिश्री को और मिश्री तुरंत की तुरंत राघव को लेकर पहुंच जाती है हॉस्पिटल। इसी के साथ आपको बता दूं कि सभी घर वाले भी यहाँ पर राघव को देखकर बेहद इमोशनल हो जाते हैं। अब सब लोग राघव को घर ले जाने की प्लानिंग करते हैं लेकिन राघव ने भी ठान लिया है कि जब तक मिश्री को घर वाले स्वीकार नहीं करते तब तक वो भी घर लौट कर वापस नहीं आएगा। अब आने वाले एपिसोड में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार दादी जी राघव और मिश्री के रिश्ते को एक्सेप्ट करती हैं या फिर कहानी में आता है कोई नया मोड़।